हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारी इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की सीरीज का चैप्टर नंबर 71 जिसका नाम है इलेक्शंस। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे हमारे प्यारे इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में। तो ये बात यहाँ पे समझिए, आर्टिकल नंबर 324 से लेके आर्टिकल नंबर 329 तक के लिए, 29 तक के लिए जो भी हमारा पार्ट नंबर 15 में आता है, यही वाला पार्ट नहीं सुना था ना अभी तक, पार्ट नंबर 15 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, इसमें कुछ प्रोविजंस हैं जो कि आपकी इलेक्टोरल सिस्टम को लेके हैं। तो समझते हैं सबसे पहले क्या है। तो हमारा जो आर्टिकल नंबर 324 है, सबसे पहले इसकी बात करें तो ये कहता है कि भैया एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होनी चाहिए। होनी चाहिए क्यों होनी चाहिए? ताकि बढ़िया से फ्री और फेयर इलेक्शन हो हमारे भारत में, है ना। और जो सुपरिटेंडेंस की डायरेक्शन की है ना, और ये कंडक्ट करने का इलेक्शन का जो काम है पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर के या फिर आपके प्रेसिडेंट के ऑफिस के या वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के, ये इस कमीशन के हाथ में दे दो। ठीक है, आज की डेट में कमीशन में आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और दो इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं, जो कि हम इतना डीपली नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन वाले चैप्टर में सब कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे जो है वो एक जनरल इलेक्टोरल रोल भी हो हर एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, है ना, ताकि इलेक्शन हो सके पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे अबॉलिश कर दिया है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाली जो बात थी, है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट वाला नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है कि कंट्री हमारी डिवाइड होती है। ठीक है, पार्टीशन होता है। तीसरी बात बात कर ले तो कोई भी पर्सन यहाँ पे इनएलिजिबल हो सकता है। ठीक है, अगर वो मान लीजिए कि किसी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या इसमें से कोई, इसमें से लेके कोई इलेक्टोरल रोल में अपने आप को चाहे कि हम जो है इंक्लूड करा लें, तो यहाँ पे इसको नहीं करेंगे। कोई भी पर्सन अगर क्लेम करता है कि वो स्पेशल इलेक्टोरल रोल में आ जाए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, किसी रिलीजन पे, रेस पे, कास्ट या सेक्स ग्राउंड पे, तो भाई वो नहीं आ सकता। ठीक है, इक्वालिटी रखनी पड़ेगी आपको सारे सिटीजन्स को लेके। तो चौथी बात कि जो इलेक्शन है लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव के, ये एडल्ट फ्रेंचाइज पे होंगे। आप जानते हैं 18 साल के ऊपर जो बंदा होगा वो यहाँ वोट कर सकता है, और ये डिस्क्वालीफाई नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अच्छा, पार्लियामेंट यहाँ पे प्रोविजन भी बना सकता है सारे मैटर को लेके इलेक्शन के, जो कि पार्लियामेंट के होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के होते हैं। ठीक है, इसमें आपका हो गया इलेक्टोरल लॉज को बनाना, डिलिमिटेशन करना कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, और सारे मैटर जिसको उसको सही लगे। फिर क्या कि स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह भी प्रोविजन बना सकते हैं सारे मैटर को लेके, है ना। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ये बात भी कहता है कि किसी भी लॉ की वैलिडिटी जो कि डिलिमिटेशन से रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है तो भैया इसको छोटा बड़ा करना पार्लियामेंट के हाथ में है, है ना, ये सीट के अलॉटमेंट को लेके, ये आप किसी कोर्ट में नहीं कह सकते हो जाके, इस जो है आप नहीं, ये बात जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, है ना। जो डिलिमिटेशन कमीशन ने कह दिया वो फाइनल हो गया। ठीक है, ये आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि कोई भी इलेक्शन पार्लियामेंट का नहीं हो सकता या स्टेट लेजिस्लेचर का नहीं हो सकता, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते उसको, एक्सेप्ट बाय द इलेक्शन पिटीशन जो कि प्रेजेंट होगी ऐसी अथॉरिटी के सामने ऐसे मैनर में जैसा कि आपका लेजिस्लेचर में प्रोवाइड करा गया है। हालांकि 1966 से इलेक्शन पिटीशन जो है वो ट्राइबल है हाई कोर्ट्स के द्वारा अकेले, बट आप कह सकते हो अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आर्टिकल नंबर 323 का जो बी वाला पार्ट है, ये पावर देता है लेजिस्लेचर को, मतलब पार्लियामेंट हो चाहे वो स्टेट हो, कि भैया एक ट्रिब्यूनल तुम एस्टैब्लिश कर सकते हो जो कि एडजुडिकेट करेगा इलेक्शन डिस्प्यूट्स को। ठीक है, ये आपका कहता है, इसमें आपका एक्सक्लूजन होगा जुडिशन का सारे कोल्ड का, है ना, कुछ अपील वगैरह के लिए छोड़ के सुप्रीम कोर्ट की, ऐसे डिस्प्यूट में सारे कोल्ड का बाकी एक्सक्लूजन होगा, ये यहाँ नहीं आ सकते, है ना। ऐसे ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश जो है अभी तक तो हुई नहीं है, बट यहाँ पर समझने वाली बात है कि चंद्र कुमार केस था एक 1997 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात डिक्लेयर करी थी कि प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, है ना, किसी भी वक्त इलेक्शन कमीशन जो है वो इफ एट एनी टाइम एन इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश, अगर ऐसा होता है किसी भी वक्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश होती है तो एक अपील जो है इसके डिसीजन से ये हाई कोर्ट में लाए होगी। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं इलेक्शन मशीनरी को लेके, तो इसमें कौन कौन होता है, क्या क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये तो होता ही होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है इसकी, और आर्टिकल नंबर 324 के अंदर आता है ये। ठीक है, जानते हैं पावर वगैरह सब इसके हाथ में है, और ये थ्री मेंबर बॉडी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है इस चैप्टर में कि एक आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, बाकी के दो जो है वो आपके इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए। फिर कौन है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है,
सीईओ जिसे बोलते हैं। इसमें क्या है, ये स्टेट में या यूटी में होता है ना, ये सारे इलेक्शन का काम देखता है स्टेट यूटी का, ठीक है, सुपरिटेंडेंस करता है, डायरेक्शन कंट्रोल करता है इलेक्शन कमीशन के हिसाब से। इलेक्शन कमीशन यहाँ पे नॉमिनेट या डेजिग्नेट कर सकती है ऑफिसर, ऐसे ऑफिसर को गवर्नमेंट के या स्टेट के, ठीक है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को बना सकती है। इसमें स्टेट या यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पे पहले कंसर्न करेगी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाला आ गया, तो डिस्ट्रिक्ट क्या करता है, ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर क्या करता है, ये भी सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन या कंट्रोल करता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन जो ऑफिसर होता है वो यहाँ पे सुपरवाइज करेगा इलेक्शन वर्क को डिस्ट्रिक्ट के, है ना। और जो इलेक्शन कमीशन है वो नॉमिनेट करती है, डेजिग्नेट करती है ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट के या फिर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को कंसल्ट करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर, इसे आरओ बोलते हैं, तो इसके बारे में जाने, ये आरओ वाले नहीं जो घर में लगाते हैं, है ना। ये ऑफिसर जो है वो पार्लियामेंट्री का या फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्शन वगैरह को करने में पार्लियामेंट्री या फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी हो, ठीक है। इलेक्शन कमीशन हमारे भारत की नॉमिनेट या फिर डेजिग्नेट कर सकती है एक ऑफिसर को गवर्नमेंट के या लोकल अथॉरिटी को, एक रिटर्निंग ऑफिसर बना सकती है ना, ऐसी असेंबली का, उस असेंबली का या फिर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का। कंसल्ट किससे करेगी यहाँ पे, समझ रहे आप, वहाँ का रीजन रीजन वाला मामला है तो स्टेट से करेगी और यूनियन टेरिटरी से करेगी, है ना। और इसके साथ इलेक्शन कमीशन जो है अपॉइंट कर सकती है एक या एक से अधिक आरओ भी कर सकती है ना, हर एक असेंबली के लिए या फिर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, कि वो रिटर्निंग ऑफिसर को असिस्ट करें, समझ रहे। असिस्टेंट भी इसके दो या दो से अधिक, एक या एक से अधिक रख सकती है। उसके बाद इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर बताएं, ईआरओ, तो ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है, प्रिपेयर वगैरह करता है इलेक्टोरल रोल्स को पार्लियामेंट्री असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, है ना। जो हमारी इलेक्शन कमीशन है इंडिया की, वो कंसल्ट करेगी पहले किससे करेगी, यहाँ पे स्टेट या यूटी से करेगी, अपॉइंट करेगी ऑफिसर को, गवर्नमेंट के हो चाहे लोकल अथॉरिटी का हो, इसको बनाएगी यहाँ पे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर बनाएगी, है ना, जो कि यहाँ पे जो है काम करेगा। इसमें भी यहाँ पे असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर रख सकती है एक या एक से अधिक, जो कि इसको असिस्ट करे, ठीक है। उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीओ इसको बोलते हैं, है ना, वो वाला नहीं, वो वाला नहीं, वो बैंकिंग वाला नहीं, ये दूसरा। तो क्या है, इसमें असिस्टेंट ये लेता है पोलिंग ऑफिसर्स की, और ये पोल जो है, पोलिंग स्टेशन में आपने देखा होगा कई सारे सरकारी कर्मचारी भी जो है इसमें ड्यूटी लग जाती है, मेरी मदर की लगती थी यहाँ पे पीओ के रूप में, मतलब जो थोड़े से कह सकते हो आप कि मतलब सेक्शन ऑफिसर वगैरह जो होते हैं तो उनकी यहाँ पे लग जाती है। खैर, तो ये ड्यूटी पोलिंग स्टेशन पे लग देते हैं, और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को और पोलिंग ऑफिसर्स को, ठीक है। मतलब ये वाला जो है, डिस्ट्रिक्ट वाला जो है, ये पोलिंग ऑफिसर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को यहाँ पे अपॉइंट करता है, और यूनियन टेरिटरी में ऐसे अपॉइंटमेंट जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा करे जाते हैं, मतलब इनके द्वारा, है ना। उसके बाद ये ऑब्जर्वर भी आते हैं। ऑब्जर्वर देखिए, अब क्या यहाँ पे होता है, ये इलेक्शन कमीशन जो है वो नॉमिनेट करती है ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट के हों उसे ऑब्जर्वर के तौर पर, ठीक है, पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए। इसमें कई तरीके होते हैं, जैसे कि एक आपको समझाऊँ आपको, तो एक तो हो गया जनरल, जनरल ऑब्जर्वर, है ना, मतलब क्या हो गया, इलेक्शन जो जनरल ऑफिसर है इसमें इसके पास ये एडिक्वेट नंबर ऑफ इंश्योर स्मूथ कंडक्ट, जो मतलब बढ़िया से हो रहा है इलेक्शन, हो रहा है कि बढ़िया से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखता है, अच्छे से समझता है हर एक स्टेज को इलेक्टोरल प्रोसेस की, है ना, फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए। जनरल तो जनरल समझ रहे हैं। उसके बाद क्या हो सकता है, एक हो सकता है एक्सपेंडिचर ऑफिसर। एक्सपेंडिचर ऑफिसर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज का, है ना, ये अपॉइंट कराया जाता है ताकि अच्छे से ध्यान दिया जाए कितना खर्चा हो रहा है कैंडिडेट का, है ना, इलेक्शन में, है ना, ऐसा कुछ, पूरे पूरे इलेक्शन में कितना खर्चा हुआ। उसके बाद आपका तीसरा आता है यहाँ पे पुलिस ऑब्जर्वर, ठीक है। कमीशन यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर को रख सकती है पुलिस ऑफिसर के तौर पर, ठीक है, डिपेंड करता है कि किस तरह का काम हो रहा है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। फिर अवेयरनेस ऑफिसर हो सकता है, अवेयरनेस ऑफिसर पहली बार 16th लोकसभा की बात है 2014 में, जब कमीशन ने यहाँ पे सेंट्रल अवेयरनेस ऑफिसर करा था जो है डिप्लॉय करा था, है ना, कि देखिए मैनेजमेंट कैसा है, फैसिलिटी कैसी है ना, यहाँ पे क्या है, इंटरफेरेंस इंटरवेंशन क्या लिए गए हैं इलेक्शन मशीनरी में, है ना, गैप को भरने के लिए, कि लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा है, क्या है ना। फिर आपका एक छोटा सा आता है माइक्रो, बारीक वाला, समझ रहे, माइक्रो ऑब्जर्वर। तो जनरल ऑब्जर्वर के साथ इसमें माइक्रो ऑब्जर्वर भी कमीशन डिप्लॉय करती है, ताकि जो है पोल प्रोसीडिंग्स हैं, पोल डे वाले दिन, वो बढ़िया से हुई है कि नहीं हुई, है ना। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल पीएसयू ऑफिसर से निकाला जाता है, और ये बहुत ही ध्यान से काम करता है ना, देखता है कि जो है
पुलिस स्टेशन में आपका जो सीलिंग है ईवीएम्स की बढ़िया से हो रही है, डॉक्यूमेंट क्या आए हैं क्या नहीं आए हैं, है ना, रिपोर्ट जो होती है जनरल ऑब्जर्वर की डायरेक्टली अबाउट द विटिएशन ऑफ द पोल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे देता है। उसके बाद एक ऑब्जर्वर आता है असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के साथ साथ एक असिस्टेंट भी, एक्सपेंडिचर वाला मैंने बताया था ना एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, उसके साथ एक जो है असिस्टेंट भी होता है ना, जो वीडियोग्राफी वगैरह जैसे इवेंट हैं या कंप्लेन जो है वो सारे इवेंट्स ये यहाँ पे इंश्योर करता है, समझ आई बात। उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस समझाऊं, तो इलेक्शन प्रोसेस में देखिए टाइम ऑफ इलेक्शंस की पहले बात करते हैं। देखिए इलेक्शन जो लोकसभा के हैं वो हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं वो आप जानते हैं 5 सालों में होते हैं, है ना, या पहले भी हो सकते हैं अगर डिसोल्यूशन वगैरह हो जाता है तो, ठीक है, समझ गए, टाइम टाइम का मामला समझे, है ना। अच्छा दूसरी बात क्या है कि इस शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है इलेक्शन का, तो जब 5 साल खत्म हो जाते हैं तो आप जानते हो लेजिस्लेचर जो है डिसॉल्व कर देते हैं, नए इलेक्शन होने लग जाते हैं, है ना, तो ये शेड्यूल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे स्टेट करता है कि यहाँ पे जो है वो छठा महीना मतलब जो है दैट देयर कैन बी नो लॉन्गर देन 6 मंथ्स बिटवीन लास्ट सेशन ऑफ द डिसॉल्व लोकसभा एंड रिकॉलिंग द न्यू हाउस, मतलब नए हाउस आने में और जो डिसॉल्व हुई है लास्ट लोकसभा उसके बीच में 6 महीने से ऊपर का समय नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसके पहले इलेक्शन होते ही होते हैं। देखिए कमीशन नॉर्मली तो कह देती है कि भैया जो है शेड्यूल हो जाए इलेक्शन, है ना, कह देती है 4 हफ्ते पहले इलेक्शन के पहले वो बता देता है ना। उसके बाद फॉर्मल प्रोसेस जो होता है इलेक्शन का वो नोटिफिकेशन के माध्यम से शुरू हो जाता है। कमीशन यहाँ पे कंपाइल करती है पूरा जो डेटा होता है मेंबर्स का, जो इलेक्ट हुए जो इशू हुए, है ना, इन सारे को जो है वो प्रोसेस इलेक्शन का कंप्लीट होता है और प्रेसिडेंट लोकसभा के केस में और गवर्नर कंसर्न स्टेट के केस में मतलब जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली केस में यहाँ पे रिस्पेक्टिव हाउसेस के सामने सेशन जो है वो रख सकते हैं। ओथ और अफर्मेशन आप जान ही रहे हैं, अगर ज़रूरत होती है तो कैंडिडेट के लिए तो वो सब ओथ वगैरह लेता है, अफर्मेशन लेता है ऑफिसर के सामने जो भी इलेक्शन कमीशन वहाँ उसको कहे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सेशन में आप जानते हो पर्सन जो कि रिटर्निंग ऑफिसर है या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, या अगर मान लीजिए कैंडिडेट जो है वो कन्फाइंड हुआ है प्रिजन में या फिर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर है ना, मतलब प्रिवेंटिव मतलब कि पहले से ही डिटेंशन में रख दिया गया है इसको कि भाई बाहर जो है वो कुछ और इसके खतरा है तो पहले रख देते हैं, ठीक है, तो सुपरिटेंडेंस जो प्रिजन की है या कमांडेंट की है डिटेंशन कैंप की है जिसमें ये है ये यहाँ पे एडमिनिस्टर करेंगे ओथ, है ना, तो ऐसा कुछ होता है ओथ लेने वाला मामला है। फिर इलेक्शन कैंपेन समझा दूँ, तो देखो बाबा कैंपेन वो पीरियड है जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट को सामने रखती हैं, आर्ग्यूमेंट करती हैं कि भैया हम क्या आपको जो है वो देना चाहते हैं, क्या हमारी पार्टी का जो है वो 1 हफ्ता देते हैं कि भैया नॉमिनेशन वगैरह रखने के लिए, तो ये वो है ये यहाँ पे स्क्रूटनाइज करता है रिटर्निंग ऑफिसर, और अगर ये अच्छे से नहीं समझ में आता है तो ये रिजेक्ट भी कर सकता है हेयरिंग, है ना। एक बार इलेक्शन हो गए तो पार्टीज यहाँ पे मैनिफेस्टो देती हैं, ठीक है, मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है कि भैया क्या प्रोग्राम हम करेंगे, क्या इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, हम गरीबी हटाएंगे करेंगे वो करेंगे, है ना, स्ट्रेंथ कैसी है, मजबूती कैसी लीडर्स की, है ना, और अगर फेलियर्स जो कि अपोजिंग पार्टीज के हैं और उनके लीडर्स के हैं मतलब जो मतलब नहीं अरे वो तो क्या कर पाए हम तो करके दिखाएंगे स्लोगन वगैरह लेकर आते हैं, तो ये सारी बात है। उसके बाद क्या होता है भाई पोलिंग डेज होते हैं, पोलिंग नॉर्मली होती है डिफरेंट डेज में, है ना, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होती रहती है ये। उसके बाद बैलेट पेपर्स सिंबल्स की बात बताएं आपको, तो जब नॉमिनेशन हो जाते हैं कंप्लीट हो जाते हैं तो एक ये होता है कि भैया कैंडिडेट जो है वो एक 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 लिस्ट बनाई जाती है ना, इसमें जो कॉम्पीट कर रहे हैं कैंडिडेट वो उनकी लिस्ट बनती है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, एक बैलेट पेपर को प्रिंट करते हैं, जो बैलेट पेपर होते हैं उनको प्रिंट करते हैं कैंडिडेट के नाम से, है ना, जो कि लैंग्वेज सेट करता है इलेक्शन कमीशन, और सिंबल वगैरह हर एक को अलॉट कर दिए जाते हैं, है ना, तो मतलब वो जो सिंबल है उसी के बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें आ जाएंगे। फिर वोटिंग प्रोसीजर आता है ना, तो आप देखते हो 1998 से कमीशन ने अपनी जो ईवीएम वाली वोटिंग है वो बढ़ा दी है, बैलेट बॉक्सेस हटा दिए हैं, और 2003 में सारे जो स्टेट इलेक्शन हुए थे और जो इलेक्शन हुए थे ईवीएम्स को यूज़ करके, और इसके बाद इनकरेज करके आप जानते हो ये ईवीएम ही यूज़ करने लगे लोकसभा में 2004 से, है ना, 1 मिलियन ईवीएम जो है वो यूज़ हुई थी इस इलेक्शन में उस समय। उसके बाद जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम के बारे में तो बताना ज़रूरी हो गया है, क्या होता है, एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप जानते हैं आपने वोट डाला होगा, वोट वगैरह जो है रिकॉर्ड करता है, बैलेट पेपर की जगह इसको यूज़ करते हैं, थोड़ा सा ये चोरी वोरी हो जाता था, है ना, रास्ते में बदल देते थे, है ना, तो ये सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए इसको करा। एडवांटेजेस की बात कर ले तो देखिए
इनवैलिडेड डाउटफुल वोट नहीं हो सकता है इसमें। कई सारे केसेस में जो है वो कंट्रोवर्सीज में आते हैं, लेकिन तब भी ईवीएम को हैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि कंट्रोवर्सी में बना रहता है, लेकिन तब भी इसमें जल्दी कुछ हो नहीं सकता। अभी तक इसके खिलाफ कुछ निकल के नहीं आया ऐसा, है ना। मतलब वोट जो डाला वही ही होगा। इसने जो प्रोसेस है वोट की काउंटिंग का काफ़ी फास्ट हो जाता है, फटाफट 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 उसमें नीचे लिख कर आ जाएगा। ये जो क्वालिटी पेपर की है भाई, पेपर क्वांटिटी जो है पेपर की वो बचती है ना। कई सारे पेड़ कटने से बच जाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग बचती है, जैसा फायदे हैं। सुपरवाइजिंग इलेक्शंस है ना, उसके बाद कहते हैं कौन सुपरवाइज करता है, तो कई सारे ऑब्जर्वर हैं मैंने आपको बताया, ताकि फटाफट अच्छे से फेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। फिर वोट की काउंटिंग होती है, बाबा हो गया तो उसके वोट की काउंटिंग होती है ना। उसके बाद ये सब बताए जाते हैं कौन फर्स्ट कौन सेकेंड। फिर मीडिया कवरेज तो आप समझ ही रहे हैं, है ना। या मीडिया कवरेज, मीडिया कैसे पीछे रह जाएगी भैया। ट्रांसपेरेंसी पॉसिबल हो इसलिए मीडिया सब कुछ कवर करती रहती है ना। पोलिंग स्टेशन वगैरह को दिखाती रहती है, यहाँ इतनी भीड़ है, यहाँ उतनी भीड़ है। देखो भैया, इलेक्शन पिटीशन, कोई भी इलेक्टर या कैंडिडेट जो यहाँ पे फाइल कर सकता है इलेक्शन पिटीशन, अगर ये कह सोचता है कि कोई गलत चीज़ हुई है, कोई मैल प्रैक्टिस हुई है इलेक्शन में, है ना। इलेक्शन पिटीशन जो है वो ऑर्डिनरी सिविल कोड नहीं होता, सिविल सूट नहीं होता, बट इसको कॉन्टेक्स के तौर पर रहते हैं, जिसमें पूरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसको इन्वॉल्व करा जाता है। इलेक्शन पिटीशन ये हाई कोर्ट के द्वारा ट्राइड होती हैं, स्टेट जो भी इन्वॉल्व है उसकी, है ना। तो समझ रहे हैं आप, तो ये सब मामला यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे हमारा ये इलेक्शन वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को देखना चाहते हैं फेसबुक पे, सिर्फ आईएस के नाम से पेज है, जाइए लाइक करें देखें। साथ ही साथ ट्विटर इंस्टाग्राम टेलीग्राम की आईडीज मैंने आपको दिखा दी। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। प्लीज़ शेयर योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स। हैव अ नाइस डे।